स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मोनोकोट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और उसका स्ट्रक्चर आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मोनोकोट एंड डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो, लेकिन फिर भी इस टॉपिक में भी जब हम मोनोकोट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिसको क्लैरिफाई करने के लिए हमें थोड़ा सा इनका डेवलपमेंटल प्लान स्टडी करना होता है। सो हैव ए ब्रीफ आउटलुक हाउ दिस डेवलपमेंटल स्टेप्स दे प्रोसीड इन केस ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, और आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि डाइकोट और मोनोकोट प्लांट के एम्ब्रियो में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उसको यहाँ पर हम थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कुछ मैंने यहाँ पर डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेल जायगोट। जायगोट द डिप्लॉयड सेल, द रिजल्ट ऑफ सिंगेमी, इट डिवाइड्स बाय ए ट्रांसवर्स डिवीजन। जैसे डाइकोट्स में हुआ था वो भी एक ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल्स में डिवाइड हो गई थी, यहाँ पर भी मैंने एम और सी ये दो डिनोट किए हैं एंड्स। एम इज डिनोटिंग द माइक्रोपाइलर एंड सी इज डिनोटिंग द चेलोजेन एंड, यहाँ पर भी डिवीजन हुए। और इसमें जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सेल कट ऑफ हुई है इसका नाम हमने बेसल सेल रखा है, और जो चेलोजेन एंड की तरफ है इस सेल को आप टर्मिनल सेल कह सकते हो या फिर आप इसको एपिकल सेल कह सकते हो। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो सेल्स आ गई हैं ट्रांसवर्स माइटोसिस डिवीजन से। अब इसके बाद यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस डाइकोट और मोनोकोट में शुरू हो जाता है। बेसल सेल जो डाइकोट्स में डिवाइड होकर सस्पेंसर जिसने एक 6 to 8 सेल स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर बनाया था सस्पेंसर, वो यहाँ पर बेसल सेल से नहीं डेवलप होता है। ये बेसल सेल बाद में एनलार्ज हो जाती है और इसको हम वेसिकुलर सेल कहते हैं। मतलब ये होगा कि बेसल सेल इज नॉट गोइंग टू डिवाइड नाउ, इट विल जस्ट गोइंग टू एनलार्ज और इट विल बी बिहेविंग एज ए सॉर्ट ऑफ होस्टोडियल सेल एंड जस्ट विल बी एट द बेस ऑफ दिस होल स्ट्रक्चर। ओके, तो दिस इज लेबल्ड एज वेसिकुलर। लेकिन जो ये ऊपर जिसको आपने एपिकल बोला है या टर्मिनल सेल बोला है ये डिवाइड हो जाती है एंड इट विल डिवाइड टू फॉर्म टू सेल्स अगेन। द सेंट्रल वन इज नोन एज मिडल सेल, यहाँ पे हम इसको मिडल सेल बोल देते हैं, और अपर जो सेल है इसको आप टर्मिनल सेल बोलते हो। ये दो सेल्स जब आपको मिल जाती हैं तो अब इन दोनों सेल्स का फेट डिसाइडेड है। वो ये कि मिडल सेल इज गोइंग टू गिव राइज द कंप्लीट एम्ब्रियोनल टिश्यू। एंड एक एम्ब्रियो में एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल यानी जो उसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसके साथ साथ प्लूम्यूल रेडिकल रूट कैप एवरीथिंग इट इज गोइंग ऑल द स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी डेवलप्ड फ्रॉम मिडल सेल ओनली। और जो ये ऊपर वाली जो टिप सेल है टर्मिनल सेल है इससे सिर्फ कोटिलेडन डेवलप होगा, क्योंकि ये मोनोकोट एम्ब्रियो है तो इसमें सिंगल कोटिलेडन डेवलप होने वाला है, वो सिर्फ इस ऊपर वाली सेल से डेवलप होगा। बीच वाली सेल से एम्ब्रियो के सारे टिश्यूज डेवलप होंगे और वेसिकुलर सेल ने अब डिवीजन नहीं करने हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहे स्ट्रक्चर को फ्यूचर में ये क्या क्या स्ट्रक्चर्स में डेवलप होंगे, तो यहाँ पे जैसे टर्मिनल सेल है मैं यहाँ पे लेबल कर दूं कि इट विल डेवलप इनटू द सिंगल कोटिलेडन। ये जो मिडल सेल है इसको मैंने यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट किया है, इट इज गोइंग टू फॉर्म द कंप्लीट एम्ब्रियो नेक टिश्यू एक्सेप्ट द कोटिलेडनरी पार्ट, all the tissue belonging to embryo will be developed from this middle cell only। and यहाँ देखिए मैंने इसी middle cell की कुछ cells को special highlight किया है, कुछ base की तरफ जो vesicular cell की तरफ है वहाँ पर कुछ cells का जो group है ये
को आप मिडल सेल कह रहे हो वो एम्ब्रियो की एक्सिस और एम्ब्रियो की बाकी टिश्यूज भी बनाएगी, उसके साथ साथ उसका रोल सस्पेंसर जो 6 to 8 सेल स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर भी उसकी डेवलपमेंट में भी इसी मिडल सेल का रोल रहता है। तो यहाँ पे सोचिए एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, अब इसका नंबर मान लीजिए सेल्स का नंबर बढ़ गया है, अभी मैंने इसको एक फॉर्म नहीं दी है सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि बहुत सारी सेल्स हैं, तो उन बहुत सारी सेल्स में कुछ सेल्स तो एम्ब्रियो एक्सिस प्लूमर रेडिकल रेटिकोटाइल हाइपोकोटाइल जितने भी टिश्यूज एम्ब्रियो के साथ जुड़े होते हैं वो बनेंगे, कोटिलेडन ऊपर वाली इस सेल से बनेगा, लेकिन इसी मिडिल सेल के कुछ सेल्स दे विल फॉर्म द सस्पेंसर। ओके, और ये हमारी वेसिकुलर सेल है ही जो कि बड़ी हो गई है एनलार्ज हो गई है, बाद में वो जब सस्पेंसर डेवलप हो जाएगा तो ये सस्पेंसर का ही एक तरीके से हिस्सा हो जाएगी, मतलब उन्हीं के साथ ये अटैच हो जाती है और इट विल बिहेव एज द सस्पेंसर ओनली सस्पेंसर सेल ओनली। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने ये दिखाया है कि कहाँ से क्या टिश्यू डेवलप होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और आपको आइडिया दें कि इन सारे टिश्यूज में जब रीअरेंजमेंट होती है डिविजन के बाद तो ये स्ट्रक्चर लगभग कैसे डेवलप होना शुरू होता है। होगा क्या कि ये जैसे ये वाला जो टिश्यू है ये जिससे हम कह रहे हैं एम्ब्रियो डेवलप होगा, दिस टिश्यू विल बी स्लाइटली पुश्ड टुवर्ड्स वन साइड बाय दिस डेवलपिंग कोटिलेडन। यहाँ पे देखिए ये कोटिलेडन है, ये इस एक्सिस ये एक्सिस एक शेप लेना शुरू जाती है जिसकी एक पॉइंटेड टिप है यहाँ पर ऊपर की तरफ और दूसरी टिप वेसिकुलर सेल की तरफ है। ओके, तो ये जो टिश्यू है ये पूरा का पूरा ये एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर वेसिकुलर सेल के ऊपर मैंने ये कुछ एरिया दिखाया है, ये सस्पेंसर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसकी अपर टिप को हम कहते हैं प्रिम्यूल और इसकी लोअर टिप को हम कहते हैं रेडिकल रेडिकल एंड इट इज पुश्ड स्लाइटली टुवर्ड्स वन साइड बिकॉज ऑफ दिस डेवलपिंग कोटिलेडन। ये कोटिलेडन इस सेल से जो डेवलप हुआ है इसकी वजह से एक्सिस थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई है। और ये कोटिलेडन का आप एक बार शेप भी देख लीजिए, दिस कोटिलेडन इज एक सी शेप स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, सी शेप स्ट्रक्चर जिस एरिया से ये इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़ा हुआ है दिस एरिया इज नोन एज कोटिलेडनरी नोड। ये नोडल एरिया है, इस नोड से ये एक सिंगल कोटिलेडन इससे एमर्ज हुआ है। एक और चीज इस कोटिलेडन के बारे में, मोनोकोट्स के अंदर जैसे कहा कि डायकोट्स में दो कोटिलेडन है यहां पर सिंगल कोटिलेडन है, लेकिन जो ये कोटिलेडन डेवलप हो जाएगा तब हम इसे एक और नाम देते हैं दैट इज स्क्यूटेलम। हियर आई हैव रिटन स्क्यूटेलम, आप यहां पे भी अभी भी मेंशन कर सकते हैं दिस इज द कोटिलेडन एंड यू हैव टू राइट इट इज एक्चुअली टर्म्ड एज स्क्यूटेलम। डाइकोट्स के अंदर जो कोटिलेडन्स होते हैं वो लीफी हैं और वो थोड़े से जो है फ्यूचर में हो सकता है कि वो फूड रिजर्व भी उनके अंदर हो नरिशमेंट के लिए एम्ब्रियो नरिशमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर जो ये स्क्यूटेलम रहेगा ये बहुत थिन होता है पेपरी होता है। ओके, इट इज नॉट ए फ्लफी स्ट्रक्चर, इट इज वेरी थिन स्ट्रक्चर, इट इज पेपरी इन नेचर। ओके, तो ये तो एक स्लाइड रिप्रेजेंटेशन थी, इसी स्ट्रक्चर को हमने बताया कि ये एक्सिस बना देगी ये वाली एरिया ग्रुप जो सेंसर है, ये थोड़ा सा एरिया हमने बिल्कुल बेस पे से जो लिया था, ये बाद में सस्पेंसर इलोंगेटेड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसके नीचे वेसिकुलर सेल दैट विल बिकम लेटर द पार्ट ऑफ दिस अपर स्टॉक ऑफ सेल एंड द कोटिलेडन सिंगल कोटिलेडन अराइजिंग फ्रॉम द कोटिलेडनरी नोड। ओके, अब इसको हम एक्चुअल में ये एम्ब्रियो मोनोकोट्स के अंदर दिखाई कैसा देता है वो मैंने
इस डायग्राम में दिखाया है। और इस डायग्राम को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट मानिए, वहां पर आपको इसे लेबल करना या इसे बनाना भी आ सकता है। और इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टर्म्स हमने यहाँ पे लिखी हैं, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये पार्ट्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे या इनके बीच में कहीं डिफरेंस आ जाता है तो वो आप कैसे लिखोगे। तो एक बार इस एग्जाम्पल को ना समझ लेते हैं। ये देखिए, यहां से शुरू करते हैं हम। ये कोटिलेडन है, दिस इज द कोटिलेडन एरिया, ओके। और इसको हम यहां से अगर ये पॉइंट देखा जाए तो दिस पॉइंट इज द कोटिलेडनरी नोड, जहां से ये एक लंबा सा कोटिलेडन एमर्ज कर रहा है, ओके। इस कोटिलेडन का नाम हमने रखा है स्क्यूटेनम, जो आपसे पहले बात हो चुकी है। नाउ दिस कोटिलेडन इज अटैच्ड टू द मेन एक्सिस। ये देखिए, यहां पे मैंने एक एक्सिस दिखाई है। आप बिल्कुल सिंपल वे में अगर समझना चाहे तो मान लीजिए इसको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे कर दिया। ये एक एक्सिस है जिसका नाम हमने क्या रखा, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ओके। तो ये एक एक्सिस है। इस एक्सिस की एक मैंने यहां पर एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ बनाई, जो हमने यहां पर इसको एक पर्टिकुलर शेप दी है। तो इस टिप का नाम आप रखो रिव्यू, जहां पे मैंने ये एरिया दिखाया, दिस इज द रिव्यू, ओके। एंड ये जो नीचे वाली टिप है इसको हम कहते हैं रेडिकल, जैसे कि हमें यहां पर ये इसकी पॉइंटेड से स्ट्रक्चर को हमने रेडिकल दिखाया। कोटिलेडन लगाना है तो आप यहां पर थोड़ा सा एक नोडल एरिया दिखाएं और स्कोच हम इसको ये वाली शेप देना चाहते हैं। तो दिस इज द स्क्यूटेनम और द कोटिलेडन, ओके। अब यहां पे आपको प्रिम्यून रेडिकल और इस एम्ब्रियोनिक एक्सिस के अलावा कुछ और एरियाज लेबल किए गए हैं, जैसे एपिकोटाइल, ये वाला एरिया। तो आप ध्यान से देखिएगा कोटिलेडन कहां पर अटैच है, ये एरिया। तो कोटिलेडन के बिल्कुल ऊपर वाला एरिया, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस विच इज प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन। हमारे पास एक ही कोटिलेडन है, इससे ऊपर का जितना भी एरिया है ये एपिकोटाइल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पर इस केस में एक्चुअल डायग्राम में ये अपना कोटिलेडनरी नोड है, यहां से ये निकल रहा है, तो इससे ऊपर का ये जितना भी एरिया है ये यहां से ये इतना एरिया, दिस इज एपिकोटाइल, ओके। और इस कोटिलेडन से नीचे का जितना भी एरिया है, जैसे ये एक्सिस हुई तो इसके नीचे जितना भी ये वाला एरिया है, दिस इज नोन एज हाइपोकोटाइल, ओके। तो अगर आपसे एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में डिफरेंस पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, एपिकोटाइल इज द एरिया विच इज प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन, एपी मतलब ऊपर, और हाइपोकोटाइल बोलना हो तो द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस दैट इज लाइंग बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन, ओके। सिंगल कोटिलेडन है, इससे ऊपर के एरिया को आप एपिकोटाइल और इससे नीचे के एरिया को आप हाइपोकोटाइल कहते हो। ये दोनों टर्म्स हमने डाइकोटेम्बियम में भी डिस्कस की थी, दोनों में डिफरेंस आ सकता है, मतलब कि ये दोनों टर्म्स हमने वहां पर यूज की थी, ये तो कॉमन चीज हुई। अब कुछ और डिफरेंट आपको टर्म्स यहां दिख रही हैं, जैसे एक तो ये है कोलियोक्टाइल और एक है यहां पे हम देख सकते हैं इसको, यहां इसको लेबल करते हैं कोलियो राइजा। ये हमने डाइको एम्ब्रियो में नहीं हमें आइडिया देगा, वहां पर नहीं होती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने एक रेड शीट दिखाई है, जैसे ये बीच का जो एरिया है ट्रांसपेरेंट सा जो दिखाई दे रहा है, ये तो सारा का सारा एम्ब्रियोनिक एक्सिस और कोटिलेडन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इस पूरे के ऊपर मैंने एक रेड कवर दिखाया है, ओके। तो ये जो रेड शीट है एक्चुअली ये इस स्क्यूटेलम की एक्सटेंशन मान के चलिए, ये जो कोटिलेडनरी जो स्क्यूटेलम है स्ट्रक्चर, इससे ही निकलता हुआ अराइजिंग फ्रॉम द स्क्यूटेलम देयर इज ए थिन शीट कवरिंग द
प्लूम्यूल रीजन, प्लूम्यूल को कवर कर रहा है एक ऐसा शीत जो कि अनडिफरेंशिएटेड है. दैट अनडिफरेंशिएटेड शीत कवरिंग द प्लूम्यूल इज नोन एज कोलियोप्टाइल. जैसे अगर ये वाला प्लूम्यूल है, अगर मैंने इसको ऐसे कवर कर दिया, एक कवर है ये, ओके. इसी तरीके से रेड कलर के ऊपर अगर आप कवर लगाते हो, सेम ये रेड कलर का कवर, ये वाला जिसको आप कोलियोराइजर कहते हैं. सो आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हो. कोलियोप्टाइल इज द अनडिफरेंशिएटेड शीथ प्रेजेंट ओवर द प्लूम्यूल एंड कोलियोराइजर इज अनडिफरेंशिएटेड शीथ कवरिंग द रेडिकल रीजन. ओके, तो इन दोनों में भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है. अब इसके अलावा रेडिकल पोर्शन में हमें एक चीज और यहाँ इस डायग्राम में दिखानी होती है, वो कि रेडिकल के ऊपर आपको एक कवर दिख रहा है ये ब्लैक कलर का. ये रूट कैप होती है जो सभी रूट्स में होती है. तो रूट कैप, देन द रेडिकल जो उसकी टिप है, और रेडिकल या इसको आप रूट टिप कर बोले जो बेबी प्लांट में रूट में डेवलप हो जाएगा, ये सारा स्ट्रक्चर रेडिकल पोर्शन. फिर अपनी हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल वो एरिया जो कोटिलेडन से नीचे है, फिर इस कोटिलेडन से ऊपर का जो एरिया जिसको आप एपिकोटाइल कहते हैं, और इस प्लूम्यूल इसकी टिप को प्लूम्यूल या शूट टिप कहेंगे. ओके, शूट टिप. फिर इधर हमें लीफ प्राइमोर्डिया और शूट एपेक्स दिखते हैं इस एरिया में. तो ये आपका एक टिपिकल मोनोकोट एम्ब्रियो है. अब आपकी बुक में एक और स्ट्रक्चर वहां पर मेंशन किया हुआ है, दिस इज एपीब्लास्ट. ये जो डायग्राम बनाया गया है ये मोनोकोट एम्ब्रियो का है. तो मोनोकोट एम्ब्रियोस हैव अ सिंगल कोटिलेडन एज यू कैन सी हियर, स्यूटेलम आपको दिखाई दे रहा है. लेकिन बहुत सारे स्पीशीज में क्या होता है कि देयर इज रेमिनेंट ऑफ सेकेंड कोटिलेडन. मतलब अगर ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता तो ये दो कोटिलेडन्स की शेप ले सकता था. मतलब एक कोटिलेडन तो ये डेवलप हो गई था, दूसरा कोटिलेडन ये बन सकता था, लेकिन ये डेवलप नहीं हुआ, ये मोनोकोट प्लांट है. तो दिस इज द रेमिनेंट ऑफ द अदर कोटिलेडन दैट कुडंट बी डेवलप्ड, जो डेवलप नहीं हो पाया उसका ये एक तरह से रिमेनिंग पोर्शन है एपीब्लास्ट. ओके, तो ये डायग्राम बनाने से पहले आप ये इमेज जरूर ध्यान में रखें कि हमें कहाँ पर एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा और स्क्यूटेलम, ये कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो हमने डाइकोट्स में नहीं डिस्कस की थी, यहीं पर इनको हमने मेंशन किया है. नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू फिट दिस एम्ब्रियो इन ए सीड, मोनोकोट सीड में अगर आप इसे फिट करना चाहें तो ये वहां पर कैसा दिखाई देता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है एक मोनोकोट सीड का. लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है जिसमें ये एम्ब्रियो कैसे फिट होता है. इसको दिखाने के लिए मैंने एक मेज सीड लिया है. यू नो मेज की सीड की शेप कुछ इसी तरीके की होती है, और इस मेज के सीड में आप देख सकते हो हमने दो कंपार्टमेंट्स दिखाए हैं. ये अपर चैम्बर या अपर कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट ये है जिसमें फूड भरना होता है, ये एंडोस्पर्म है एक्चुअली, और मेज है तो ये स्टार्च है. ओके, और यहां पे दूसरा कंपार्टमेंट दिखाया गया है, और इस कंपार्टमेंट में हमें एम्ब्रियो को फिट करना है. यहां पर एम्ब्रियो होता है, इसी अपर चैम्बर में एक लेयर और होती है जो एलिगोन लेयर कहलाती है. ये आप थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो इसको, एल्यूरोन लेयर. एल्यूरोन भी एंडोस्पर्म ही है लेकिन उसमें प्रोटीन होता है. ये अंदर वाला एरिया सारा स्टार्ची है, बट दिस लेयर इज प्रोटीनस एंड इट इज एल्यूरोन लेयर. ओके, अब इस मोनोकोट एम्ब्रियो को हमें इस सीड में फिट करना है. तो इसको कैसे हम दिखाएंगे, सबसे पहले आप इसकी शीट दिखाएंगे. ये शीट लेते हैं जिसमें
कोलियोटाइल लेते हैं यहाँ पे द शीट विच इज कवरिंग द प्लूमियल रीजन. तो यहाँ पे मैंने ये रेड से ये एरिया प्लूमियल को कवर करने वाली शीट का दिखाया है और इस एरिया में मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये कोलियोराइजा ये शीट है और इस शीट के इनर साइड हमें दिखाना है हमारा प्लूमियल. ओके यहाँ पे हम रेडिकल और यहाँ पे बाकी का जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस का पोर्शन होता है वो दिखा दिया ये एक्सिस है. यहाँ पे हम एरिया थोड़ा सा छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से हमें स्क्यूटेलम दिखाना है कोटिलिडन दिखाना है तो इधर तक आप इस एक्सिस को बना सकते हो. ओके एंड नाउ यहाँ से वो हमें जो सिंगल कोटिलिडन है वो फिट करना है. दिस इज द स्क्यूटेलम. स्क्यूटेलम हो गया ये इसको आप ब्लूम्यूल कहेंगे ये रेडिकल रेडिकल के ऊपर आप कैप दिखाएं रूट कैप ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है लेकिन इसको थोड़ा सा कोटिलेडन से अगर नीचे दिखाएंगे तो आप इसे हाइपोकोटाइल देंगे ये वाला हिस्सा इसका एपिकोटाइल. ये जो शीट है जो ब्लूमर को कवर कर रही है इसको आप कोलियोटाइल बोलें और जो ये शीट इस रेटिकल को कवर कर रही है इसको आप कोलियोराइजा बोलेंगे कोलियोराइजा. ओके ये शीट. तो ये हमने सारे टर्म्स यहाँ पर इस एम्ब्रियो में पढ़े थे. अब लास्ट में अगर बात करें कि इस सस्पेंसर का काम क्या है तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये जो सीड है इसमें अभी एंडोस्पर्म है फूड है जब ये एम्ब्रियो बेबी प्लांट पर डेवलप होगा तो वो बेबी प्लांट जो है उसको एंडोस्पर्म से ही नोरिशमेंट लेनी होगी क्योंकि शुरू में तो लीव ही लीव्स हैं या कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप नहीं होता कि फोटोसिंथेसिस कर सके तो ये इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं कर सकता जो प्लांट जब धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द फूड स्टोर्ड इन द सीड इन द फॉर्म ऑफ कोई भी फॉर्म हो सकता है स्टार्च है या ऑयल है जो भी उस सीड के अंदर है और वो एंडोस्पर्मिक टिश्यू के अंदर होता है. तो जैसे ये एक सीड दिखाया ये एंडोस्पर्मिक सीड है क्योंकि इसके अंदर एंडोस्पर्म एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो चुकी है पूरा एम्ब्रियो हमारा डेवलप हो चुका है फिट है इसके अंदर यहाँ पर लेकिन इस एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के बाद भी क्योंकि यहाँ पर सॉरी इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बाद भी क्योंकि ये एंडोस्पर्म भी है बचा हुआ है फ्यूचर बेबी प्लांट के लिए तो सच टाइप ऑफ सीड्स आर नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड्स. ओके तो इस स्क्यूटेलम का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है. स्क्यूटेलम बिकॉज हेयर इट इज पेपरी वेरी थिन सो इट कैन ओनली बिहेव एज मीडिएटर. क्या होता है कि अगर यहाँ से एंडोस्पर्म से जैसे जैसे जब सीड की जर्मिनेशन शुरू होती है तो प्लांट के जो हॉर्मोन्स हैं उनकी वजह से एंजाइम्स जो है इस स्ट्रक्चर में एक्टिवेट हो जाते हैं. एंजाइम्स की एक्टिवेशन के बाद जो फूड डाइजेस्ट होना शुरू होगा वो फूड जो है एंडोस्पर्म का जो फूड है डाइजेस्ट होना शुरू होता है तो वो इट शुड रीच अप टू द एम्ब्रियो. तो उस तक पहुंचाने के लिए इस एम्ब्रियो तक पहुंचाने के लिए देखिए यहाँ पर ये किसको क्रॉस करके आ रहे हैं स्क्यूटेलम. स्क्यूटेलम इज एक्चुअली ए मीडियम थ्रू विच द फूड विल क्रॉस एंड रीच अप टू द डेवलपिंग प्लांट. जो एम्ब्रियो तो अब नहीं है बाद में इससे जब प्लांट बनना शुरू हुआ उस फ्यूचर प्लांट के लिए फूड रिजर्व जब यहाँ से माइग्रेट करेगा तो दैट विल क्रॉस द स्क्यूटेलम. सो आई होप कि आपको डिफरेंसेस पता लग गए होंगे डाइकोट्स एंड मोनोकोट एम्ब्रियोज में. आपके सिलेबस में मैंने फिर कहा डेवलपमेंट नहीं है मोनोकोट्स के तो है ही नहीं लेकिन आपको ये दो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट मान के चलिए ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए. आपको सीड में मोनोकोट सीड का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है आपसे मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम सिर्फ एम्ब्रियो का डायग्राम आपसे बनाने के लिए पूछा जा सकता है. डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट
कुछ स्टेजेस आपको मेंशन जरूर करनी है जो आपके सिलेबस में है, जो आपकी एमसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, लेकिन उसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू।